यस गुड मॉर्निंग क्लास 12th। तो ये जो चैप्टर हमारा चैप्टर 5 ह्यूमैनिटीज एंड मैटर चल रहा है, ये उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बाकी टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिया है। सोलेनोइड एक्ट एज अ बार मैनेट, हमने बार मैनेट वाली डेरिवेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि बार मैनेट में डाइपोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जैसे यहाँ पे भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा, आपको पता है जब वाइडनिंग करते हैं, तो आपको मैंने सोलेनोइड जब चैप्टर 4 में स्टडी कराया था, तो आपने देखा था इस साइड से नॉर्थ है तो साइड साउथ, तो उसमें दो पोल हो गए नॉर्थ एंड साउथ। उस बेसिस समझे तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये उसकी डायपोल लेंथ हो गई, जिसको मैंने यहाँ पे भी 12 लिया है। ठीक है, तो इसके एक्सिस ही हो गई। तो अच्छा, डायग्राम बेसिस पे देखा जाए तो क्लियर समझ आ रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल डायपोल लेंथ, ये जैसे एक बार मैनेट हो गया, और हमें इसकी एक्सिस पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इसको प्रूव करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला डेरिवेशन में हमने फाइंड किया था बार मैनेट के लिए, जैसे ई एक्सियल फाइंड किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, वैसे बी एक्सियल फाइंड किया था। तो आपको याद होगा कि जो बी एक्सियल था, जैसा कि ई एक्सियल होता है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 m अपॉन डिस्टेंस जो भी है उसका क्यूब होता है। ये अगर डिराइव कर देते हैं तो ये क्या है, डायपोल बार मैग्नेट की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस फॉर्मूले को हम सोलेनोइड वाले कंसेप्ट को यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ऐसा फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि जो बार मैनेट है वो और सोलोनाइड इक्विवेलेंट है। तो इसी को प्रूफ करने चल रहे हैं। तो लेट मैंने सोलोनाइड लिया है, सोलोनाइड बहुत सारे टर्न्स होंगे लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पार्ट दिखा रहा हूँ। तो सोलोनाइड का कुछ सेगमेंट, छोटा सेगमेंट dx, इसमें ये वाला पार्ट जो है करंट आई फ्लो हो रही है हर एक वायर से, और इस सर्कुलर लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो फाइंड करते हैं। तो देखो, लेट हमने क्या किया, आई करंट माना है फ्लोइंग थ्रू द सोलोनाइड। लेंथ क्या है सोलेनोइड की, 12 लेंथ है, हैविंग एन नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है और लेंथ क्या है 12, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, नंबर टर्न्स टोटल नंबर टर्न्स अपॉन लेंथ। तो लेंथ क्या लिया है मैंने, 12 लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एल ये होगा और एल इधर होगा, तो 12 हो जाएगा, जैसे हमने बार मिनट में डायपोल लेंथ लिया था। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सर्कुलर सेगमेंट, सर्कुलर लूप आपको दिख रहा है, एक छोटा सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ पे स्टडी किया था, बायोट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से स्टडी किया था। तो वही डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये पूरे सोलेनोइड की वजह से नहीं है, छोटे से सेगमेंट की वजह से। तो छोटे सेगमेंट में से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डी बी, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट डी एक्स। तो डी बी इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला जो सर्कुलर लूप में डिराइव किया था, म्यू नॉट आई नंबर टर्न्स, नंबर टर्न्स कितने होंगे यहाँ पे एन डी एक्स, एन इज द नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ क्या है यहाँ पे इस सेगमेंट का dx है, तो नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो ये नंबर टर्न्स आ जाएगा किसका, इस स्मॉल सेगमेंट का। तो म्यू नॉट आई एन dx रेडियस का स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप a स्क्वायर अपॉन 2, और फिर क्या था, इस सर्कुलर लूप से ये डिस्टेंस क्या होगा, ये r है ये x है, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर और होल क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको क्या करना है, पूरे सोलोनाइड की वजह से फाइंड करना है, इस छोटे से सेगमेंट की वजह से ये फॉर्मूला है। तो पूरे सोलोनाइड की वजह से क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इस चीज को, यहाँ से इमेजिन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी माइनस एल से प्लस एल इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो वही करने जा रहा हूँ मैं, इसको रब करके, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड, फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड एट एक्सिस क्या होगी, इंटीग्रेशन होगा डीबी का, मान लेते 0 से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी आएगी एट एक्सिस, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन क्या करना है, डीएक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर, माइनस एल से प्लस एल, तो लिमिट लेंगे माइनस एल से प्लस एल, म्यू नॉट आई dx को एक कॉर्नर में रख देंगे, तो i n a स्क्वायर अपॉन 2, ये टर्म पूरा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब, ये dx। अब इसमें क्या है कि आपको बता दो, सारी चीजें बाहर आने वाली, सिर्फ dx बचने वाला है, कैसे, देखो जो चीज वेरी ना करे उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बाहर होने वाला है, पहले तो ये चीजें जो क्लियर है, डी बी का इंटीग्रेशन बी होगा, म्यू नॉट कॉन्सेंट टर्म बाहर आ गया, टू कॉन्सेंट टर्म बाहर आ गया, करंट कॉन्सेंट,
नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट। अब ये बाहर आएगा या नहीं आएगा इसको चेक करते हैं, तो फिलहाल अभी इसको अंदर रखते हैं। तो डीएक्स ब्रैकेट में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर यहाँ पे क्यूब माइनस एल से प्लस एल। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, ये जो केस है ये भी बाहर आएगा, इसमें कुछ केस मानना पड़ेगा कि फॉर आर जो है वो मच ग्रेटर देन एक्स है एंड आर जो है वो मच ग्रेटर देन ए है, तो ऐसा करने पे एक्स को आर से माइनस करेंगे तो एक्स बहुत छोटा है नेगलेक्ट कर देंगे, आर स्क्वायर बचेगा तो आर स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ए बहुत छोटा है तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो देव फोर जो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये होल क्यूब है वो क्या आएगा, ये पूरा टर्म क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपका 3/2 है। ओके 3/2 है, आप याद करो फॉर्मूला, वो 3/2 कर लेना आप 3/2, तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये चेक कर लेना फॉर्मूला, ये आर डिस्टेंस का 3/2 किया जाता है, तो ये आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आर क्यूब आ जाएगा, यानी ये चीज़ आर क्यूब में बाहर आ जाएगी। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब माइनस एल से प्लस एल डी एक्स बचेगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन बाहर आएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एल से प्लस एल, टोटल लेंथ आ जाएगी 2L अपॉन 2R³। अब म्यू नॉट आई एन इंटू 2L नंबर टर्न्स इंटू लेंथ, टोटल नंबर टर्न्स आ जाएगा ए स्क्वायर 2R³। इसको क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π के टर्म, ऐसा फॉर्मूला बनाना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4π बनाना है तो यहाँ पे 2π से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2π आई नंबर टर्न्स कैपिटल एन हो जाएगा, और ये जो पाई यहाँ होना चाहिए था मैंने पाई ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ये नंबर टर्न्स आई एन नंबर टर्न्स ये और आर क्यूब, तो आपका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4π टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई ए स्क्वायर एन आई ए वाला टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला आपका आ गया, हेंस जो सोलेनाइड है वो एक्ट एज अ बार मैग्नेट, हमने डेरिवेशन से प्रूव कर दी। बस डेरिवेशन में आपको फार्मूलाज याद रखना है और वो फार्मूला करेक्ट लेना, स्टार्टिंग में जो डीबी वाला था वहाँ पे 3 लिखा था वो 3/2 कर लेना, और ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, याद रखना है इसमें इंटीग्रेशन सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, सिर्फ डी एक्स बचेगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल लेंथ 2L आ जाएगी। तो देखने में डिफिकल्ट है, बस क्या करना है, इसमें सारी चीज़ तो बाहर चली जाएगी एज अ कॉन्स्टेंट, सिर्फ डी एक्स बचेगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 2L आएगा, तो वैसे इजी। बट पहली चीज़ क्या याद रखनी है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, उसको आगे इंटीग्रेशन करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी में थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, रिवीजन करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद, फिर इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन में बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है तो बहुत ईजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे ये डेरिवेशन आपके 5 ईयर में एक बार आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट कोर्स में है तो आ सकती है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू क्लास।